क्षेत्र हैं। लगभग 6 दशक से आप भोपाल के विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में श्रीराम सेवा ट्रस्ट और ऐसे ही अनेक संगठनों के माध्यम से निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनमोहन अग्रवाल जी को। श्री मनमोहन अग्रवाल जी भोपाल के एक प्रमुख उद्यमी हैं और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का भोपाल शहर में आयोजन आपके माध्यम से होता रहा है। आप वर्तमान में भोपाल उत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर पदासीन हैं। स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लेफ्टिनेंट जनरल M.L. नायडू जी को। परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट मेडल से सम्मानित सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री नायडू जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी प्रदान किया जा चुका है। स्वागत की श्रृंखला को विराम देते हुए अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का हृदय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो उन्होंने सहजता से मध्य प्रदेश के सम्मान को अपने हृदय में स्थान दिया। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में दो प्रमुख परियोजनाओं का भी शिलान्यास होने जा रहा है। प्रथम परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे की रोड परियोजना है। यह परियोजना अब्दुल्लागंज रातापानी इटारसी सड़क मार्ग है। यह सड़क 417 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। यह सड़क आगामी 18 माह में पूरी होगी। इससे भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूर, नागपुर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही रातापानी अभ्यारण्य और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तक बेहतर आवागमन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा माननीय से अनुरोध है कि कृपया वर्चुअली इस परियोजना का शिलान्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा 417.51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर रातापानी खंड, जो अब्दुल्लागंज से बैतूल इंटर कॉरिडोर मार्ग का हिस्सा है, के 12.38 किलोमीटर चार लेन चौड़ीकरण से भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे यात्रा सुगम होगी और इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि और खुशहाली आएगी। इस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ग्वालियर स्थित डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDA के माइक्रोबाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी BSL-4 का भी शिलान्यास माननीय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की है। यह एक ऐसी पहली लैब है जिसपे कोरोना जैसे भयानक वायरस पर भी रिसर्च होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना DRDE ग्वालियर रसायन जैव रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रयोगशाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में DRDO में एक BSL-4 प्रयोगशाला की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत की गई है। इस प्रयोगशाला में अत्यधिक खतरनाक जीवाणु एवं विषाणुओं की रोकथाम के लिए शोध कार्य किया जाएगा। यह प्रयोगशाला नेशनल बायोडिफेंस रेफरल सेंटर के रूप में कार्य करेगी। शिलान्यास कार्यक्रम हेतु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदया। शीघ्र ही दोनों कार्य मूर्त रूप में साकार होकर प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होंगे, हम सभी की ऐसी आशा है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाले हमारे प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी को उनके स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ।
सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र के जनजाति मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गौतम जी, राज्य सरकार के सभी मंत्री गण, गणमान्य उपस्थित सभी महानुभावों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के वाले देश के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी में आपके प्रथम आगमन पर आपका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपके आगमन से मध्य प्रदेश का हर नागरिक हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा है। आपकी आत्मीयता और सहजता से हम सब अभिभूत है। माननीय, आपके द्वारा 4 लेन मार्ग रातापानी सेंक्शन और रक्षा मंत्रालय की परियोजना की सौगात राज्य को दी है, उसके लिए मैं प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। अपने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर संघर्ष एवं कर्मठता के बलबूते पर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है, जिससे समुदाय को नया विश्वास और प्रेरणा मिली है। गांव के कॉलेज जाने वाली पहली बालिका से शुरू कर जनजातीय बहुत राज्य की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल और देश की पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति होने का गौरव आपने प्राप्त किया है। आपके जनसेवा, जन कल्याण और समाज के वंचित वर्गों की मजबूती के लिए किए गए प्रयास प्रेरणादायी है। सामाजिक जीवन में आपके द्वारा किए गए जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रयासों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की विशिष्ट पहचान है। संविधान की गरिमा को मजबूत बनाने तथा जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण करने के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों ने जनजातीय विकास को नई दिशा दी है। आपने संवैधानिक पद की मान्यताओं और दायित्व का संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता के उच्च मापदंडों का अनुपालन किया है। राज्यपाल के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में आपके द्वारा किए गए सुधारों ने शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों को नया आयाम दिया है। राजनीतिक सुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा के द्वारा संवैधानिक गरिमा के उच्च मानदंड निर्धारित का आपने सभी राजनीतिक दलों का आदर और सम्मान अर्जित किया है। राष्ट्रपति के रूप में आपको अपने बीच पाकर न केवल जनजातीय समाज अपितु संपूर्ण देश धन्य हुआ है। आपका अनुभव, विनम्रता और संवेदनशीलता सदैव हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने अपनी अति व्यवस्था में से प्रदेश भ्रमण के लिए समय निकाला है, उसके लिए हम सब जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आपका संरक्षण, संबल और आशीर्वाद प्रदेश की जनता पर बना रहे, इस कामना और भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा और गौरव की वृद्धि में आपका कार्यकाल नई कीर्तिमान स्थापित करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, अपने उद्बोधन के माध्यम से माननीय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप सशक्त लोकतंत्र के प्रतीक हैं, साथ ही सशक्त नारी शक्ति का भी। आप असंख्य भारतीयों की आकांक्षाओं और इच्छाओं का केंद्र हैं। मैं इस अवसर पर आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमें भी अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद मध्य प्रदेश की मेरी ये पहली यात्रा है। आज सबके स्नेह और स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। मैं राज्य के लगभग 8.5 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ और उन सभी की समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। आज के इस आयोजन के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय संस्कृति और देश की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश के लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है। मैं पूर्ण सलीला माँ नर्मदा के जल से सिंचित इस पावन धरती को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की इस धरती ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसी धरती के सपूत, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जन्मस्थली महू में है। मैं मध्य प्रदेश के एक और महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश में ही अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व तथा गौरवशाली राजनीतिक जीवन का आरंभिक विकास हुआ। 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने में श्रद्धेय अटल जी के योगदान के लिए सभी देशवासी सदैव उनके आभारी हैं। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश में एक तरफ अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य ही भी है, दूसरी तरफ यहाँ अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है। भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास तथा संगीत सम्राट तानसेन से लेकर सुर साम्राज्ञी भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर तक अनेक प्रतिभाएं ने यहाँ की धरती पर जन्म लिया है। ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह, मेहर का उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, उज्जैन का कालिदास समारोह तथा खजुराहो का नृत्य समारोह भारत के कल्चरल कैलेंडर में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। मुझे बताया गया है कि अब जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी प्रकार शिवपुरी उत्सव और बेतवा उत्सव भी मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अनेक दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल हैं। महाकालेश्वर तथा ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग, उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ, अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल तथा प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रसिद्ध मंदिर, प्रभु श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हैं।
भीम बटिका सांची तथा खजुराहो के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए देश विदेश से अनेक पर्यटन आया करते हैं। मध्य प्रदेश को प्रकृति का अनुपम वरदान है। मुझे बताया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। राज्य के अनेक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स है। हाल ही में पुनो नेशनल पार्क में नामीबिया में से आए गए चीता के पुनर्वास के लेकर वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले सभी लोग अत्यंत उत्साहित है। देश से विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास के लिए इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजन, पिछले महीने भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंदौर शहर को तथा सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। ये उपलब्धि भी सराहनीय है कि इस सर्वेक्षण में 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 100 सबसे स्वच्छ शहर के रैंकिंग में 30 शहर यानी लगभग 1/3 शहर मध्य प्रदेश में ही है। ये सफलता मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों की जागरूकता तथा सक्रिय जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण है। स्वच्छता की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की हार्दिक प्रशंसा करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निवासियों के प्रयास सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के योगदान की अमर गाथाएं समाहित है। रानी दुर्गावती और झलकारी बाई जैसे वीरांगनाओं ने महिलाओं के समर्पण और बलिदान की गौरव गाथाएं लिखी है। मध्य प्रदेश में अनेक महारानियों ने अपने उत्कृष्ट शासन की छाप छोड़ी है। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके देश की आध्यात्मिक परंपराओं में मध्य प्रदेश के योगदान की अमिट गाथा लिखी है। प्रदेश की महिला विभूतियों के प्रति सम्मान अभिव्यक्ति करने के लिए भोपाल के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के साथ साथ उसका नामकरण जनजातीय समाज से आने वाली अंतिम महारानी रानी कमलापति के नाम पे किया गया है। देवियों और स्वजनों, आज DRDO की ग्वालियर स्थित मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस प्रयोगशाला के स्थापना से देश न सिर्फ बायो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा बल्कि भविष्य में COVID-19 जैसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने में भी सक्षम होगा। इस अवसर पर मैं DRDO की पूरी टीम को बधाई देती हूँ तथा इस प्रयोगशाला के समयबद्ध निर्माण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रातापानी से इटारसी जाने वाले हाईवे परियोजना का शिलान्यास करने के लिए मौका मिला, इसीलिए मैं प्रसन्नता हूँ। और इस परियोजना पूर्ण होने पर पर्यटकों का तथा अन्य लोगों का आवागमन में सुविधा होगी, ये मुझे विश्वास है। देवियों और स्वजना, मध्य प्रदेश में समावेशी विकास के लिए नई आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य ने विकास के कई मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले 1 दशक की अवधि में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई है।
खाद्यान्नों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी राज्यों में से है। कृषि विकास दर में पिछले 4 वर्षों में औसतन 20% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराजली चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ेगी तथा उस विकास का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों के जन जन तक पहुँचेगा। मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश देश में एक उज्ज्वल तरीका के रूप में उभार के आएगी। इसी के साथ ही पुनः आप सभी को धन्यवाद दे के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।